महाराष्ट्र के बदलापुर में हुई घटना को लेकर राज्य सरकार पीड़िताओं के परिजनों को आर्थिक सहायता देगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से लड़की के परिवार को 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा कर दी गई। साथ ही दूसरे 4 वर्षीय छात्रा के परिजनों को 3 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने दोनों लड़कियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर ने मीडिया से बातचीत में सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कामिनी गायकर और निर्मला घुरे ने सहअभियुक्त के तौर पर नामित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री केसरकर ने सरकार की ओर से नियुक्त 2 सदस्यीय समिति के सुझावों पर अमल करते हुए घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि घटना की जांच में दोषी पाए गए कुछ अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। प्रिंसिपल अर्चना आठवाले सस्पेंड हो चुकी हैं। जांच के दौरान ये सामने आया कि उन्होंने कुछ जानकारियां भी छिपाई थी। इसी तरह मामले में जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, इसमें CCTV लगाना, रिकॉर्ड को 15 दिनों तक सुरक्षित रखना और बाकी सब शामिल। साथ ही हर स्कूल में पैनिक बटन लगाने के लिए गर्भ विभाग का प्रस्ताव भेजा जाएगा। बदलापुर की घटना और इस पर राजनीति मालूम है कि ठाणे में जिले में बदलापुर में एक स्कूल में पुरुष सहायक की ओर से 2 बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया गया। इस मामले पर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। आरोपी को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, जबकि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल बदलापुर मामले का राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के ठाणे जिला अध्यक्ष संजय बागुले ने विधायक संजय केलकर के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी बारिश के बीच अहिल्यावादी स्मारक के सामने एकत्र हुए। उन्होंने पीड़ित बच्चियों के लिए शीघ्र न्याय की मांग की। बागुले ने कहा कि ये एक गंभीर घटना है जिसने पीड़िताओं के परिवार के सदस्यों को परेशान कर दिया है। हालांकि MVA के नेता इस त्रासदी का राजनीतिकरण करने में व्यस्त हैं, वो महाराष्ट्र के बदनाम करने में कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।